हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिल द आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बोलभद्र रस के बारे में बात करेंगे, इसके फायदे, नुकसान, सेवन विधि और इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बोलभद्र रस के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। बोलभद्र रस में शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, सत्व गिलोय, सेमल की छाल, हीरा बोल आदि डाली गई होती हैं। बोलभद्र रस की सेवन विधि, 2 से 4 गोली सुबह शाम मिश्री में मिलाकर शहद के साथ ले सकते हैं। बात कर ले इसकी फायदे की तो बोलभद्र रस काफ़ी अच्छी और कारगर औषधि है। यह शरीर से होने वाले रक्त स्राव को रोकने और रक्त स्राव करने वाले शारीरिक कारणों को ठीक कर देता है। बोल रसायन अम्लपित्त, रक्त प्रदर, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, वात रक्त, भगंदर तथा पित्तजन विकारों में फायदेमंद है। यह औषधि नाक, मुंह, गुदा और योनि मार्ग आदि किसी भी मार्ग से गिरता हुआ रक्त बोलभद्र रस के सेवन से बंद हो जाता है। रक्त प्रदर में नियत समय से अधिक दिन तक रक्त स्राव होने पर स्त्रियां दुर्बल और कमजोर हो जाती हैं, जिसका असर गर्भाशय पर पड़ता है, जिसमें गर्भाशय कमजोर हो जाती है और गर्भधारण करने में भी असमर्थ हो जाती हैं। मंदाग्नि हो जाना, भूख न लगना तथा हाथ पांव एवं आँख में जलन होने लगता है, ऐसी स्थिति में बोलभद्र रस के सेवन से शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह दवा रक्त को बंद करने वाली है, गर्भाशय को बलवान कर गर्भधारण में शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी खाने पीने में गड़बड़ी हो जाने से पाचन पित्त कमजोर हो जाता है, इसके फलस्वरूप अन्न का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में किसी किसी स्त्री को वात प्रकोप के कारण प्रदर में वृद्धि हो जाती है, पतले दस्त होना, पेट फूल जाना आदि लक्षण दिखे तो ऐसी स्थिति में बोलभद्र रस के सेवन से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। साथ में भास्कर चूर्ण शंख भस्म के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद गर्म जल के साथ देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, जिसमें प्रकोपित वायु ठीक होकर पाचन क्रिया को ठीक कर देता है। कफ प्रकोप के कारण काश और श्वास की गति में वृद्धि हो और साथ ही गर्भाशय की कमजोरिया शिथिलता की वजह से श्वेत पदर की शिकायत हो तो ऐसी स्थिति में बोलभद्र रस को त्रिवंग भस्म के साथ मिलाकर उपयोग करने से संचित कफ दूर हो जाता है तथा श्वेत पदर की शिकायत भी नष्ट हो जाती है, गर्भाशय बलवान हो जाता है। इस रसायन का प्रभाव मूत्र इंद्रिया यानी मूत्र मार्ग, पाचन शक्ति, रक्त रक्तादि धातुओं के विकार पर विशेष काम करता है। खूनी बवासीर में परवाल चंद्रपुट्टी के साथ मिला कर आयापान रस के साथ देने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। रक्तपित्त में मोती सी पिष्टी के साथ मिलाकर मधु के साथ देने से बहुत ही अच्छा लाभ है। अब बात कर लेते हैं बोलभद्र के नुकसान के बारे में। बोलभद्र रस को डॉक्टर के सलाह के अनुसार सटीक खुराक और सीमित अवधि के लिए लें। बोलभद्र रस लेने से पहले अपने चिकित्सा से सलाह जरूर लें।